टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 के मुकाबलों को शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। इससे पहले सभी टीमें अभ्यास मैच में अलग अलग संयोजन अपना रही हैं। बात की जाए भारत की तो टीम को अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। इस वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल हार्दिक पांड्या काफ़ी चर्चा में हैं कि वह गेंदबाजी करेंगे या नहीं। हार्दिक की गेंदबाजी करने को लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में टॉस के लिए उतरे रोहित शर्मा ने अहम जानकारी दी है और बताया है कि हार्दिक अभी नेट्स में भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वह कुछ दिनों में शुरू करेंगे। हार्दिक पांड्या चोट से उबरने के बाद गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं और ऐसे में टीम इंडिया के पास छठे गेंदबाजी विकल्प की कमी दिख रही है। रोहित ने इस कमी को पूरा करने के लिए संकेत दिए हैं कि टीम इंडिया कुछ विकल्पों को आजमाने की कोशिश कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस के वक्त रोहित ने कहा, यह ठीक हो रहा है लेकिन इसे गेंदबाजी करना शुरू करने में कुछ समय लगेगा। उसने गेंदबाजी शुरू नहीं की है लेकिन उसे टूर्नामेंट के दौरान किसी भी समय तैयार रहना चाहिए। इस तरह के एक बड़े टूर्नामेंट में आप हमेशा चाहते हैं कि सुनिश्चित करें कि एक खिलाड़ी 100% फिट है। उम्मीद है कि वह जल्दी से गेंदबाजी करना शुरू करेंगे। हार्दिक पांड्या के गेंदबाजी पर संशय होने की वजह से ही चयनकर्ताओं ने कुछ दिन पहले ही शार्दुल ठाकुर को अक्षर पटेल की जगह 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। रोहित ने आगे यह भी बताया है कि भारत विश्व कप के कुछ मुख्य चरण से पहले छठे गेंदबाजी विकल्प की समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। उन्होंने कहा है, यह हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें छठा गेंदबाजी विकल्प मिले, बल्लेबाजी क्रम में भी कुछ विकल्प मिले। हम आज उन सभी चीज़ों को आजमाएंगे। हमारे पास मुख्य गेंदबाजों में गुणवत्ता है लेकिन आपको छठे गेंदबाज के लिए एक विकल्प की ज़रूरत है। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।